भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने तहसील पर धरना प्रदर्शन किया और एसटीएम को बंधक बनाने की चेतावनी दी। आगरा की तहसील फतेहाबाद में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहाबाद में चल रहे धरना प्रदर्शन में किसानों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को बंधक बनाने की चेतावनी दी। काफी लंबे समय से किसानों की चल रही समस्याएं जिनका कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर नहर में पानी न आना, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटना आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। फतेहाबाद TDZ में आने पर भी किसानों को नहीं मिल रही 24 घंटे बिजली। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर फतेहाबाद में विशाल प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मैं राजेश कुमार शर्मा, जिला अमासे से, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, आज किस तरीके का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए जो हमारी मांगे हैं, फतेहाबाद में जो रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली एक नहर है, उसमें अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। अक्टूबर का महीना भी खत्म होने जा रहा है। किसान का जो कार्य आता है वो सितंबर में आता है, एक महीना किसान लेट हो चुका है और नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, जो बिजली का मुद्दा है, जो ट्यूबवेल हैं, जो हमारे ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन हैं उनको काटा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा ट्यूबवेलों का जो कनेक्शन काटा जा रहा है कि बिजली का कहते हैं बिल बकाया है। अब बिल बकाया पर कोरोना काल में किसान के पास पैसा कहाँ से आया? उन कनेक्शन को काटा जा रहा है और कनेक्शन के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लाइट दी नहीं जा रही है, 8 घंटे लाइट मिल रही है। अब 8 घंटे में किसान कैसे काम करे? फतेहाबाद क्षेत्र TTZ में आता है, ताल टेपेलियम में आता है। यहाँ का किसान 24 घंटे का जो चार्ज है, जो आगरा का चार्ज है, उसको दे रहा है और किसान को लाइट मिल रही है 8 घंटे, मजदूर को, छोटे व्यापारी को लाइट मिल रही है 8 घंटे। तो ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है किसानों मजदूर के साथ में, छोटे व्यापारी के साथ में, जब हम जो बिल दे रहे हैं वो 24 घंटे का दे रहे हैं, टिपेलियम का दे रहे हैं, TTZ का दे रहे हैं, तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे इस बात को लेकर के? अधिकारियों की बात सुननी चाहिए ना। हमने 24 दिन पहले STM महोदय फतेहाबाद को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने मांग रखी थी कि नहर में पानी आना चाहिए और दूसरा हमारा जो बिजली 8 घंटे आ रही है। यहाँ धरना दिया जा रहा है किसानों द्वारा, और क्या सर इसमें मांगे हैं और किन किन अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात की जा रही है? देखिए, जितनी मुझे जानकारी है उनकी मांगे अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित है। जैसे मैंने बात की, अभी SDO विद्युत को बुलाया है, फिर DHO आएंगे जो बीज से संबंधित है, फिर हमारे RFO आएंगे फॉरेस्ट से संबंधित, और इरिगेशन से संबंधित ए इरिगेशन को मैंने बुलाया है। आने के बाद लोगों से वो बात करेंगे और समस्या जो भी है वो सुलझाने का प्रयास पूरा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है लंबे समय से ये समस्या बनी रहती है, तो दिक्कत कहाँ होती है? अधिकारी और किसानों के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, जैसे कि जल की समस्या हो चाहे बिजली की समस्या, तो कहाँ समस्या दिक्कत कहाँ होती है सर? अधिकारी काम नहीं करते हैं या फिर किसानों की जो उनकी मेन समस्या उन पर खड़ा नहीं उतर पा रहे, क्या है पूरा मामला? नहीं, इशू ये है कि मे बी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं जा पाती होगी। जैसे मैंने बताया कि लोग, इवन डिपार्टमेंट भी इस संबंधित काम कर रहा है, 5 तारीख को जो है वो पानी लोगों को मिल जाएगा। जो फ्लो है अकॉर्डिंग टू रोस्टर, जो प्लान है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो अकॉर्डिंगली पानी चला जाएगा। बट ये कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक अभी पहुंची नहीं उस बारे में। बाकी जो भी समस्या होगी, मे बी वो है कि कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो सकते थोड़े बहुत, वो हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास है कि हम अलग डिपार्टमेंट को एक साथ लाके और समस्या का सुलझा करें। थैंक यू।